हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर डेंजेलो आइडियाज़। तो आज का हाउस प्लान है 23 फीट x 29 फीट, जिसका एरिया है 667 स्क्वायर फीट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको भी कोई हाउस प्लान बनवाना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसको मैंने 3D में भी प्लान करा है, तो 3D पार्ट हम एंड में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसके हाउस मेजरमेंट और कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंट्री करते ही आपका ड्राइंग हॉल दिया गया है। ड्राइंग हॉल जो है, मेज़रमेंट जो रहेगी ड्राइंग हॉल की, वो 7 फीट चौड़ाई रहेगी और लंबाई रहेगी 14 फीट। फिर हम आ जाते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे बेडरूम में। बेडरूम का जो साइज़ दिया है वो 11 फीट चौड़ाई दी है और लंबाई दी है 14 फीट। तो जैसे ही आप ड्राइंग हॉल से ऊपर जाते हैं रूम से निकल के, तो इधर दिया ये डाइनिंग हॉल। तो मैंने ड्राइंग हॉल और इसके बीच में पार्टीशन दिया। अगर मेजरमेंट की बात करें तो 6 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 10 फीट। फिर आ जाते हैं हम इधर लेफ्ट में सेकंड बेडरूम। तो सेकंड बेडरूम की जो चौड़ाई है वो 11 फीट है और लंबाई जो रहेगी वो 13 फीट 6 इंचज़ रहेगी। और इधर दिया है बाथ प्लस टॉयलेट। तो बाथ प्लस टॉयलेट की जो चौड़ाई रहेगी वो 4 फीट 6 इंचज़ रहेगी और लंबाई रहेगी 7 फीट। फिर आ जाते हैं हम डाइनिंग हॉल के सामने दिया है किचन। तो किचन की मेज़रमेंट जो रहेगी वो 5 फीट चौड़ाई रहेगी और लंबाई रहेगी 7 फीट। तो गाइस, मैंने जो स्टेयर का पार्ट दिया है वो बाहर से ही दिया है, आप अंदर से भी ले सकते हैं, वो मैं 3D में आपको दिखाऊँगा। तो ये हो जाएगा जो मैं कॉलम्स, तो कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम जो रहेंगे वो 9 रहेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जहाँ भी आपका कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 9 है। और इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल जो मैंने लिया है साइज़ वो 6 इंचज़ लिया है। तो जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ वो विंडोज़ रहेंगी। तो स्टेयर स्टेप का जो साइज़ रहेगा वो 3 फीट रहेगा। तो अब देख लेते हैं इस हाउस प्लान का 3D व्यू। तो गाइज, इस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 23 फीट है और लंबाई जो है वो 29 फीट है। तो जैसा मैंने ड्रॉ करा है स्केच में, बिल्कुल वैसा ही मैंने 3D में भी डिज़ाइन करा। तो एंट्री जैसी करते हैं आप, तो ड्राइंग हॉल में सीधी एंट्री होती है इसमें। तो ड्राइंग हॉल के बराबर में राइट में दिया है स्टेयर्स। तो स्टेयर्स की जो मैं बात कर रहा था वो स्टेयर्स आप अंदर एंट्री के बाद भी ले सकते हैं या सीधा डायरेक्ट रोड से स्टेयर्स ले सकते हैं फॉर रेंट पर्पस। तो जैसे ही आप ड्राइंग हॉल्स के आगे आएंगे तो पार्टीशन दिया है बीच में जो कि डाइनिंग एरिया में जाता है। तो डाइनिंग एरिया के सामने ही हमने किचन दिया है और इधर वॉश बेसिन लगाई है। तो ये इधर किचन हो गया। अब किचन से जैसे ही डाइनिंग एरिया में वापस जाएंगे तो हमने ड्राइंग हॉल के सामने ही एकदम फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। तो फर्स्ट बेडरूम की जो मेज़रमेंट है वो 11 फीट बाय 14 फीट रहेगी। तो काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस के साथ ये बेडरूम का साइज़ हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया के सामने दिया है सेकेंड बेडरूम। तो सेकेंड बेडरूम की जो मेज़रमेंट है वो 11 फीट बाय 13 फीट 6 इंचज़ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस है इस बेडरूम का। तो जैसे ही हम बाहर आते हैं फिर राइट में आ जाता है डाइनिंग एरिया से जैसे वॉश बेसिन के राइट में दिया है बाथ प्लस टॉयलेट। तो बाथ प्लस टॉयलेट भी बहुत अच्छा स्पेस, अगर मैं इसके मेज़रमेंट की बात करूं तो 4 फीट 6 इंचज़ जो है वो चौड़ाई है और लंबाई है 7 फीट। तो अब देख लेते हैं इसका एरियल व्यू इस पूरे हाउस प्लान का। तो गाइस, बाकी हाउस प्लान्स की वीडियो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये हाउस प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा ये हाउस प्लान। और अगर आपको भी कोई हाउस प्लान बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू हाउस प्लान के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।